नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मर लाइफ पे। दोस्तों, आज जो हम आए हैं खम्हार गांव में आए हैं, और यहां खम्हार गांव जो है कद्दू की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहां 3-4 साल से कंटिन्यू जो है काफ़ी ज़्यादा किसान जो है कद्दू की खेती की तरफ उनका झुकाव गया है। और ये जो खेत आप देख रहे हैं लगभग 1 बीघा यानी 1 एकड़ या 1 बीघा के आसपास ये खेत पूरा प्लॉट है, और इसमें कद्दू लगा हुआ है और कद्दू कट के लगभग हमको लगता है 20 दिन से मार्केट जा रहा है कंटिन्यू। उसके बावजूद आप घुमा के दिखाओ, ये देख सकते हैं कद्दू का स्थिति अभी भी कितना सुंदर तरीके से लगा हुआ है। किसान का कहना है कि ये एक दिन गैप करके जो है कद्दू टूटता है। आज जैसे कि यहाँ से कद्दू टूट के गया हुआ है तो कल नहीं टूटेगा, परसों दोबारा इसमें से कद्दू टूटेगा। तो मिलवाते हैं आपको किसान से कि उन्होंने किस तरह से ये खेती किया, कितना अच्छा ये किया, उपज ले रहे हैं किस तरह से इन्होंने खेती किया जो इतना अच्छा उपज ले रहे हैं। तो आइए अब मिलाते हैं आपको किसान से। चलिए, देखिए हमारा सौभाग्य है, जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे इनके गार्जियन आ चुके हैं। ये सही तरीके से बताएंगे किस तरह से इन्होंने कब लगाया और कब से ये फल। तो आप सर बताइएगा कि कब से आप इसका फल ले रहे हैं? अगस्त से 10 दिन पहले से हम ले रहे हैं, मतलब जुलाई लास्ट से, लास्ट 20 तारीख 21 तारीख के बाद से तोड़ रहे हैं। और एक बार में कितना इसमें से कद्दू आप तोड़ते हैं? 700, 800, 900 एक बार में कद्दू तोड़ते हैं। आज भी तोड़ के इसको मार्केट आप? आज 700 गया है। हाँ चलिए, और इसमें मतलब इतना बढ़िया बनाने के लिए इस जमीन में आपने खाद का ज़्यादा उपयोग किया है कि गोबर वगैरह का ही? गोबर पहले दे दिए थे। अच्छा, गोबर दे दिए हैं अप्रैल मई में, गोबर दे दिए थे। तो इसमें आप कोई दवाई वगैरह भी स्प्रे करवाते हैं कि ऐसे ही चल रहा है आपका? दवाई अभी तक कोई नहीं स्प्रे, वर्षा के बाद एगो स्प्रे कर रहे हैं। अच्छा, टमाटर कोई खास बात नहीं है। और अभी तक इसमें कोई आपने कोई स्प्रे नहीं, केवल आपने जो खाद जमीन में दिया है? खाद जमीन में दिए हैं, और उसके अलावा और कोई खर्चा? और कोई खर्चा नहीं। क्या अभी आपको कद्दू का खेती से क्या लग रहा है कि इसी साल की है कि इससे पहले भी आपका? नहीं, इससे पहले भी की। हर साल मतलब? हर साल कद्दू में मजा है? हाँ, कद्दू में मजा है, खर्चा कम है। खर्चा कम है और आमदनी बहुत अच्छा है। आमदनी बहुत अच्छा है। हाँ, मतलब 1 बीघा यदि खेती जो किसान कर रहा है, जो कद्दू लगाए हुए आप तो मतलब क्या कहते हैं अलान दे के लगाए हुए हैं, क्या इसका जमीन पे भी हो सकता है? हो सकता है जमीन पर, लेकिन उतना रेट नहीं मिलेगा जमीन वाले को। मतलब जमीन पे जो होता है उसका रेट कम, उसमें थोड़ा दागी पड़ जाएगा, उज्जर हो जमीन पर जो रहेगा उजला हो जाएगा, इसका रेट कम मिलेगा। अच्छा, इसलिए आप लोग अलान दे के? अलान देकर करते हैं, अधिक रेट मिलता है। एक कद्दू का अभी मतलब क्या मैक्सिमम क्या रेट चल रहा होगा मार्केट? अभी तो 15-16 है। 15-16 एक कद्दू का? एक कद्दू का पहले तो 26-28, मतलब जो स्टार्टिंग में बेचे 26-28, मतलब लगता है कि आप 1 बीघा में 2 लाख रुपया? 2 लाख तो आराम से हो जाएगा। तो हाँ, वो तो हो गया, वो तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है? इसके अलावा भी आप कोई सब्जी का खेती करते हैं या किसी तरह का और मोटा खेती या क्या? नहीं, करेला होता है, कद्दू और करेला। हाँ, फिर बगल में खेत है उसमें करेला लगा रहे हैं। अच्छा, बस इसके जस्ट बगल में जोता हुआ खेत, पीछे वाले खेत में करेला लग रहा। तो दोस्तों, आप 1 बीघा यदि कद्दू की खेती करते हैं अलान पे या मचान पे तो आप 2 लाख रुपया कमा सकते हैं, और काफ़ी शॉर्ट टर्म का ये खेती है। तीन महीने में खेती करते हैं, 3 महीने का ये समय रहता है, और 3 महीने में आप 2 लाख रुपया कमा सकते हैं, बशर्ते कि आपको सही समय का जानकारी होना चाहिए। और सही समय पे आप यदि लगाते हैं और अलान पे लगाते हैं तो आप अच्छा मुनाफा इसमें कमा सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।